शिमला ग्रामीण से विधायक और कांग्रेस महासचिव विक्रमादित्य सिंह ने प्रदेश सरकार पर कोविड की दूसरी लहर से निपटने में विफल होने के आरोप लगाए हैं। सरकार को स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और लोगों को कोविड के प्रति जागरूक करने की जरूरत थी, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया, जिसके कारण दूसरी लहर में लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। विक्रमादित्य सिंह ने ये आरोप शिमला में अपने निवास स्थान होरी लॉज में पत्रकार वार्ता के दौरान सरकार पर लगाए। कांग्रेस महासचिव विक्रमादित्य सिंह ने शिमला में अपने निवास स्थान होरी लॉज में पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश सरकार पर विभिन्न आरोप लगाए। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने भी पिछले 7 साल में जो प्रदेश की जनता से वादे किए थे वो एक भी पूरा नहीं किया, चाहे नेशनल हाईवे हो, बेरोजगारी हो, महंगाई को कम करने की बात हो, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। कोविड की दूसरी लहर को लेकर विशेषज्ञों ने पहले ही चेतावनी दे दी थी, लेकिन प्रदेश सरकार ने वाहवाही लूटने के अलावा लहर से निपटने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत नहीं किया, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। इन 7 सालों में जहां तक हिमाचल प्रदेश की बात है, हिमाचल प्रदेश को झुंझुना के अलावा, झूठे भरोसों के अलावा, कथा कथित डबल इंजन की बात जो कही गई सरकार द्वारा, उसके कहने में और करने में जो जमीन आसमान का फर्क था, इन सब चीजों से आज प्रदेश की जनता वाकिफ है। हमने विधानसभा में भी कई बार इस मसले पे बड़े विस्तार पूर्वक बातें करी हैं, चाहे वो GST कॉम्पनसेशन की बात है, चाहे वो आपके कथा कथित 69 नेशनल हाईवे की बात है, जिसमें अभी तक सिर्फ 250 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को DPR बनाने के लिए मिला है, और उसके अलावा चाहे रोजगार को बढ़ाने की बात है, और सबसे महत्वपूर्ण महंगाई जो आज चरम सीमा के ऊपर पहुंच चुकी है, चाहे वो कच्चा तेल है, चाहे वो दालें हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन है, जो अच्छे दिन का वादा माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के साथ साथ हिमाचल को भी किया था, और हर बारी जब वो हिमाचल आते थे और आते हैं, हिमाचल को अपना दूसरा घर कहते हैं, मगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, सरकार हिमाचल प्रदेश की, कोई भी बड़ा पैकेज केंद्र सरकार से हिमाचल के लिए लेने में पूरी तरीके से असफल रहे हैं। कोरोना काल में 20 लाख करोड़ का पैकेज जो है वो पूरे देश के लिए कहा गया। हम मांग करते हैं, आज भी मांग करते हैं कि वो विधानसभा में व्हाइट पेपर लेकर आए कि उस 20 लाख करोड़ में से हिमाचल प्रदेश को कितनी राहत प्रदेश के बागवानों को मिली, प्रदेश के किसानों को मिली, प्रदेश के औद्योगिकरण क्षेत्र को मिली, प्रदेश के पर्यटक क्षेत्र को मिली। हिमाचल प्रदेश का हर व्यक्ति, हर समाज का व्यक्ति आज आहत है, बढ़ती महंगाई से त्रस्त है, और निश्चित तौर से इस कोरोना काल में हम मानते हैं इस बात को कि जहाँ तक कोरोना की बात है, हम इसमें कोई राजनीति नहीं करना चाहते, हम सरकार का समर्थन करने में भी विश्वास करते हैं, मगर जो नाकामियाँ सरकार की कोरोना काल को निभाने में रही है, ये सत्य नहीं है। क्या ये सत्य नहीं है कि IGMC की जो आपके वेंटिलेटर्स थे, उसमें से 50% वेंटिलेटर जो है वो चलने की परिस्थिति में नहीं थे, उनकी जो ऑक्सीजन कंजम्पशन थी वो सामान्य वेंटिलेटर से दुगनी थी, जिसकी वजह से वो जो है काम में नहीं आ रहे थे, और इसके अलावा और हिमाचल प्रदेश के अस्पतालों के भी वही हाल है। आपके एम्स की बात करी जाती है बारी बारी कि हमने एम्स अस्पताल बिलासपुर के अंदर बना लिया, आज वो केवल एक रेफरल हॉस्पिटल बनकर रह गया है। 20 बेड का अस्पताल भी वो एम्स बिलासपुर नहीं है, और वहाँ पर ना कोई आपका स्टाफ है, ना वहाँ पर डॉक्टर्स है, सारा का सारा रेफरेंस जो है आपका बिलासपुर से, नेरचौक से, मंडी से लेकर, सिरमौर से लेकर जो है वो IGMC में आ रहा है, और IGMC के हाल हम सबको पता है। मैं उस चीज़ में कोई ज़्यादा लंबी बात नहीं कहना चाहता हूँ, रोज़ वहाँ के मरीजों को क्या हाल वहाँ पे हो रहा है वो हम लोगों के सामने वो चीज़ है, और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जो हिमाचल प्रदेश के हैं वो तो मैं समझता हूँ कि नारद मुनि हैं, यहाँ गए तो यहाँ की बात, वहाँ गए तो वहाँ की बात। जिस तरीके से एक स्वास्थ्य मंत्री को
रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, आंकड़ों के साथ बात करनी चाहिए थी। उसमें बिल्कुल भी इस सरकार की ना संवेदनशीलता है, ना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना सीरियसनेस है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।